आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के दिए टिकट के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं। अगर वो आजमगढ़ का उपचुनाव जीतते हैं तो उनका हिचको लिखा था पॉलिटिकल करियर उछाल मार देगा। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से हारने के बाद ये नाक बचाने का मौका है। निरहुआ इसी वजह से इन दिनों सुर्खियों में है। तो चलिए आज उसी निरहुआ के उन विवादों के बारे में हम आपको बताते हैं जिसकी वजह से वो पहले भी चर्चा में रहे हैं। जान से मारने की धमकी। निरहुआ साल 2012 में सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 6 में नजर आए थे। यहाँ दिनेश लाल यादव ने अपनी समझ बूझ के साथ गेम खेलने की कोशिश की थी, हालांकि वो जल्द ही एविक्ट हो गए थे। इस शो में उस वक्त इमाम सिद्दीकी भी कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुए थे। ऐसे में घर के अंदर इन दोनों की तगड़ी बहस देखने को मिली थी। इस दौरान निरहुआ ने उन्हें एक टास्क के दौरान चैलेंज कर दिया था, अगर उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं किया तो वो उन्हें जान से मार देंगे। ऐसे में निरहुआ शो से बाहर कर दिए गए थे। एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी। एक बार निरहुआ एक अवार्ड फंक्शन के लिए विदेश गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो वहां से लौटते वक्त एक्टर ने नशे की हालत में फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदतमीजी की थी। मामला साल 2017 का बताया जाता है। लंदन में भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस दौरान ही खबरें आई थी कि निरहुआ ने फ्लाइट में एक एयर होस्टेस से नशे की हालत में बदतमीजी की। ऐसे में इस मामले को साथ ट्रैवल करने वाले उनके साथियों ने सुलझाया। निरहुआ ने उस वक्त महिला से माफी मांगी थी, जिसके बाद उनकी कंप्लेंट पुलिस में नहीं की गई थी। जब सलमान खान को दी थी टक्कर। निरहुआ की कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी बॉर्डर। ये एक देशभक्ति फिल्म थी जो कि 15 अगस्त के मौके पर ही रिलीज की गई थी। इस फिल्म के साथ सलमान खान की रेस 3 रिलीज हुई थी, जिसे उस समय सिनेमाघरों में कोई पूछ नहीं रहा था। अब जब यूपी और बिहार में ये फिल्में लगी तो सलमान की फिल्म के थिएटर्स खाली थे, वहीं निरहुआ की फिल्म स्क्रीन के आगे जबरदस्त भीड़ लगने लगी थी। ऐसे में फिल्म मेकर और फिल्म की कास्ट बहुत खुश थे। तभी एक ट्वीट सामने आया था जो कि एक पत्रकार का था। उस ट्वीट में निरहुआ की फिल्म को लेकर तंज कसा गया था। पत्रकार ने कहा था कि खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा पार के हाउसफुल चल रही है, ऐसे में लोगों को बॉर्डर देखनी पड़ रही है। जब दिनेश लाल यादव ने ये ट्वीट देखा तो वो भड़क गए। खबरों के मुताबिक उस वक्त उन्होंने पत्रकार के साथ गाली गलौज भी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत की गई। वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम सितारे उस वक्त निरहुआ के सपोर्ट में आ गए थे। तो ये थे निरहुआ की जिंदगी के 3 सबसे बड़े विवाद, जिनकी वजह से निरहुआ पहले भी चर्चा में रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।